वोट मांगना होगा तो हाथ जोड़ के आएंगे, 10 बार आएंगे, और जब वोट मिल जाता है तो कोई झांकने भी नहीं आता है कि बंदा मर रहा है कि जी रहा है, या गंदे पानी में है या गंदा पानी पी रहे हैं। क्या कुछ परेशानी है यहाँ पे? एक तो ये शिवर भरे हुए हैं, निकलने की परेशानी, एक हफ्ता हो गया पानी के अंदर से निकल रहे हैं ईंटें लगा लगा के। बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, सब घर में सब बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, बड़े बड़े लोग हो रहे हैं बच्चे। करीबन एक हफ्ते से कॉलोनी का पूरा बुरा हाल है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के सीतापुरी पार्ट वन इलाके में। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, फिर चाहे वो उनकी गली को लेकर हो या फिर पीने के पानी की समस्या को। एक बार इन्हीं के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इनका कहना है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम हेमलता है। क्या कुछ परेशानी है यहाँ पे? एक तो ये शिवर भरे हुए हैं, निकलने की परेशानी, एक हफ्ता हो गया पानी के अंदर से निकल रहे हैं ईंटें लगा लगा के, और पीने का पानी भी गंदा आ रहा है, पीने के पानी में बदबू आ रही है, इतने पानी भी साफ नहीं, और बीमार हो रहे हैं लोग घरों में। इससे घर से बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकला जा रहा, इतने दिक्कत से बाहर नहीं निकल पाते, इतना पानी भरा हुआ है। अभी बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी है तब क्लियर हुआ, थोड़ा सा 7 दिन तक परेशान रहे हम लोग। अच्छा, ये पानी हर बार भर जाता है या फिर पहली बार भरा था? भरा ही रहता है। और यहाँ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, यहाँ पे आते हैं बस करके चले जाएंगे, करता कोई नहीं है। मांगने सब आ जाएंगे, वोट मांगने सब आ जाएंगे, किसी गरीब ही के मजदूर नहीं समझते। पूरे घरों में पानी भर रहा हूँ। हमारे कैसा पानी था? सीवर का पानी था, पानी था जी पीने का। बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, सब घर में सब बच्चों को बीमारियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े लोग हो रहे हैं बच्चे बाहर। पीने का पानी भी खराब आ रहा है? जी हाँ जी, बदबू आ रहा है जी पानी के अंदर, पीने का पानी। कितने समय से खराब आ रहा है वो? ये जब से सीवर भर रहा है हो गया 1 महीने से ज्यादा है। कितने कितने दिनों में सीवर भर जाता है? पूरा टाइम भरा रहता है? सफाई करके जाते हैं, उसके 2 घंटे बाद फिर भर जाता है वो। फिर वो वापस सफाई करने का बात है? विधायक जी से बात हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि मैं सफाई करवा देता हूं, उनकी तरफ से तो कोई मतलब वही। कौन है विधायक यहाँ के? राजेश ऋषि जी है। उनकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आता? नहीं जी, उन्होंने करवाया नहीं कुछ भी। निगम पार्षद? निगम पार्षद डिम्पल आहूजा जी है। उनकी तरफ से कुछ मदद? उनकी तरफ से तो जी वो तो कोशिश कर रहे थे, मगर उनको करने दे जब ही, तो करने नहीं देते उनको। हैं जो वो करते हैं तो इनको कंप्लेंट कराई जई, उसको कैंसिल कर रहे हैं, कोई नहीं करने कर, ऑनलाइन भी कंप्लेंट करवा रखी है इसको। जई वो करवाते कौन है? जई जई हमारे एक तो पुलकित जी है, दीपक जी है। किसकी तरफ से कैंसिल होती है ज्यादातर? ये पुलकित जी थे, जिन लोग देखते हैं ना उन, वो तो कह रहे थे हमारे पास तो हमारा तो ट्रांसफर हो गया, हम इस एरिया को नहीं देखते। दीपक जी क्लोज करवा रहे हैं टिकट, और वो क्लोज परेशानी हो रही है। बच्चे नहीं खेल नहीं पा रहे, नहीं हम बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चे सारे बीमार पड़ गए इस तरीके से। मैडम देखो, नहीं पानी भी, अगर वोट मांगना होगा तो हाथ जोड़ के आएंगे, 10 बार आएंगे, और जब वोट मिल जाता है तो कोई झांकने भी नहीं आता है कि बंदा मर रहा है कि जी रहा है, या गंदे पानी में है या गंदा पानी पी रहे हैं, कुछ नहीं। इस बार इतना घुटना घुटना पानी था, यहाँ जो निकला नहीं है वहाँ पानी भरा होंगे, उधर भी होंगे, उधर भी ईंटें लगा रखी, यहाँ दो दो ईंटें लगा रखी थी, और जब निकले हैं और वो भी इधर से घूम के आ रहे हैं, बताओ इतना दूर चक्कर काट के कौन आएगा? जिसको आना है वो तो वो यहाँ से वहाँ तक जाएगा। गटर सारे भरे हुए हैं, किसी का नहीं है कि खुला हुआ है। एमएलए साहब ने भी यहाँ पे नाली बनवाई है, वो नालियाँ ना पहले बनवाई थी वो भी बंद हो गई थी, और जो आप बनवाई है उसमें भी पानी भरा हुआ है सीवरों का, कोई सफाई नहीं है ना, उसका कोई निकासी दे रखी है निकलने की। अभी भी आप देखोगे वो नालियाँ, ये गलियाँ खोद दी जिनके ढक्कन ऊपर कर दिया, उसके कारण भी सीवर भर गए, ठीक है जी। और ऊपर से 2 महीने 2.5 महीने हो रहे हैं, कूड़े की गाड़ी तक भी नहीं आ पा रही यहाँ पे, कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती है। पहले यहाँ तक आती कूड़े की गाड़ी, नहीं गाड़ी उधर आती है नुक्कड़ पे जाके। आप लोग कूड़ा कैसे देते हैं? यहाँ जाते हैं आगे जाके, पानी में चलकर कूड़ा देने भी बाहर जाना पड़ता है, तो चढ़ के जा रहे थे खत्ते में कूड़ा डाल करते हैं हम यहाँ नहीं जाते, मगर वो वहाँ पे खड़ी कर देता क्योंकि सीधा ढक्कन की वजह से। वोटिंग के बाद तो आते ही नहीं है कि वोटिंग के बाद जाके देखे तो सही कॉलोनी में क्या। अभी तो हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत पानी जो है वो निकल चुका है, अभी अभी साफ हुआ है, 2-3 महीने से ही दिक्कत है, अभी 1 घंटे पहले ही सफाई हुई है। अब आपको क्या लग रहा है कितनी देर में वापस से भर जाएगा? भर जाएगा, आप कल आके देखोगे दोबारा भर चुका होगा ये। फिर वो वापस से कब आएंगे साफ करने? पड़े हैं अभी, सफाई नहीं हुई है, पूरे ऊपर सफाई भी नहीं हुई है, ये भरे पड़े हैं सारे सीवर अभी।
उन्होंने ये बोला था कि अभी हम ये निकलवा देते हैं पानी वगैरह जो है, इसकी पानी निकल जाए उसके बाद हम इसको एक बार सर्विस करवा देंगे ताकि सफाई करवा देंगे एक बार, मगर वो देखो कब करवा देते हैं। आगे भी नहीं है और कहते हैं भैया थोड़ा सही से कर दो, आप लोग हमें काम करने दो, हम अपने हिसाब से कर देंगे और उसके बाद में जाएंगे एक घंटे के बाद फिर वही वाला हो जाएगा। सीवर का कूड़ा जैसे सीवर साफ करेंगे, कूड़ा निकाल के वहीं रख जाएंगे, हम लोग पैसे दे के वो कूड़े को उठवाते हैं, फिर आते ही नहीं है उठाने, कहते सूखने के बाद उठाएंगे, आदमी नहीं आते, वो आते ही नहीं, वो पड़े पड़े वो बेकार ही हो जाता। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत कहाँ कहाँ करी है? सारी जगह कर ली हमने, ऑनलाइन भी करी है भाइयों ने हमारे, जैसे अगर वो जो विधायक जी के भी फोन करा, उन्होंने चार दिन पहले फोन किया तो वो कहते जी हमारे पंप लग रहा है यहाँ पे, मगर वहाँ ऐसा कोई पंप वगैरह कुछ भी नहीं लगा उनका। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आप शिकायत करते, तो ये शिकायत जो सफाई हुई है शिकायत के बाद हुई है या फिर वो खुद से ही आए थे करने? नहीं नहीं मैम, खुद सफाई और जल बोर्ड के थ्रू हुआ ये काम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल उज्जैन वाले। मैम क्या कुछ परेशानी है? परेशानी आपके सामने है सभी, ये सीवर लाइन करीबन एक हफ्ता से जो हालात हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, जो कि खुद आप देख सकते हैं। आप कैमरा अगर इस तरफ कर लीजिए, इस तरफ कर लीजिए, जहाँ आपकी इच्छा उस तरफ कर लीजिए, पूरा यहाँ पर पानी का जमाव रहता है। करीबन एक हफ्ते से कॉलोनी का पूरा बुरा हाल है और जिसकी हमने तकरीबन सभी अथॉरिटीज़ को सूचना दी, लेकिन किसी ने हमारी अभी तक ठीक से सुनवाई नहीं गई। इसमें भी हमने जो अब तक जो भी कार्रवाई हो रही है तकरीबन प्राइवेट अपने पैसे लगाकर हो रही है, और बाकी जो हम अपनी तरह से कोई अपने पैसे लगा के अपने वो करके खुद से सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमें अथॉरिटीज़ से जो मिलनी चाहिए सहायता उसके मुकाबले यहाँ भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब लगभग हमारी अथॉरिटीज़ इस पर कोई ठीक से काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग खुद से पैसे लगवा कर ठीक करवा रहे हैं? अभी तो यही चल रहा है। यहाँ पे मुख्य समस्या क्या ये सीवर ओवरफ्लो की है? सीवर ओवरफ्लो है, ये लगातार ऐसा होता जा रहा है ये पिछले, और इसकी वजह से पूरा अभी पूरे दो हफ्ते से गंदा पानी, पूरा हमें सारा सा पानी बाहर से लेना पड़ रहा है, अपना पीने का जितना पानी है बाहर से हम सारी सेवाएं ले रहे हैं, और जो भी कोई भी आप मोटर चलाओगे आपको गंदा पानी ही मिलेगा। नहाने की व्यवस्था खराब है, चीज़ों का मतलब पानी में इतनी बदबू है, स्मेल है पूरे घर में बहुत ज़्यादा, इस समय परिस्थितियाँ खराब है। जैसा कि हमारे साथ साथ हमारे यहाँ किराएदार भी रहते हैं, काफ़ी लोग हैं, उनका ऊपर मंजिल तक पानी और ये सारी समस्या हमारे लिए तो मतलब दुविधा बढ़ गई है हर तरह से। नहीं नहीं थे, बहुत परेशानी में, हमने खाना भी नहीं खाया, कल हमारे आप शरीर में वाह भी हो गई, अब बता ऐसे थोड़ी होगा, हम गरीब आदमी इतना वह होता है, ये इतना वहाँ तक घर में नहीं घुसा जा रहा था, तो आप ऐसा करो, आप ऐसे ही आके ऐसा मत करो, हम वोट आपको ही देते ना तो हमारा ये ऐसा क्यों करते हैं? आज तक कई सालों, आज इतने साल हो गए हमें, 40 साल हो गई आम आदमी भी, लेकिन कभी नहीं हुआ ऐसा अचानक, अब हो रहा है जो कभी नहीं हुआ हमारे पास, अब हो रहा है ये। हम पानी तक को भी पीने को नहीं है, हमारे लेटरिन का पानी आ रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सीतापुरी में रहने वाले तमाम लोगों के साथ हम जुड़े, उन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई कि किस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा समय से परेशान हैं क्योंकि इस इलाके में जो सीवर हैं उनकी सफाई नहीं की जाती है, जिस कारण यहाँ पर अक्सर पानी भर जाता है, जिस कारण इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, घर से बाहर निकलने में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल पाते खेलने कूदने के लिए, उनके पास कोई भी जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरा टाइम पानी भरा रहता है। अभी भी इन्होंने बताया कि एक घंटे पहले ही यहाँ की सफाई हुई है, उससे पहले यहाँ पर पानी ही भरा हुआ था, और इनका ये कहना है कि अगर हम कल आएंगे तो वापस से हमें यहाँ पर पानी भरा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले लोगों को पीने का पानी तक साफ नहीं दिया जा रहा, जिस कारण इन लोगों को बाहर से पानी मंगवा कर पीना पड़ता है। जहाँ एक और सरकार द्वारा कई वादे किए जाते हैं कि लोगों को कुछ परेशानी नहीं होगी, वहीं सीतापुरी में रहने वाले लोग इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं है। इन्होंने बताया कि इलाके के विधायक, निगम पार्षद, हर किसी से इन लोगों ने शिकायत करके देख ली, लेकिन उस वक्त सफाई कर दी जाती है लेकिन दो घंटे बाद वापस से पानी भर जाता है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।